क्लास 10th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको दी थी इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। आज बेटा मैं इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 4.1 ले रही हूँ। हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया था क्या होता है, वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब मुझे क्या बोला गया है, अब मुझे बोला गया है आपका फर्स्ट पार्ट है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और मुझे चेक करने को बोला गया है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x माइनस 3, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में a प्लस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है आपकी आइडेंटिटी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये आपका होता है a, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर b यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2a, a यानी कि x मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2x, इसके ऊपर मैंने लगा दी a प्लस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी। उसके बाद मैंने इसको, आपको मैंने फैक्टर मल्टीप्लाई करने सिखाए हुए हैं कैसे होता है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2x, फिर इसको 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस के 6, ठीक है, समझ में आया इतना। ये बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ करते हैं वो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, ये जो उधर फैक्टर पड़ा है, उधर जो प्लस का फैक्टर पड़ा है, जब उसको मैं इधर लेके आऊंगी तो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का फैक्टर है वो आपका प्लस का बन जाना है। मैंने क्या बोला, जो फैक्टर आपका इक्वल टू के उधर वाली साइड पड़ा है, जो प्लस का है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाना है। पहले मैंने आइडेंटिटी लगाई, फैक्टर को मल्टीप्लाई करा, फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उधर प्लस का है इधर माइनस का बना, जो माइनस का है वो प्लस का बना, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू सेम अगर प्लस की पड़ी हो, वही वैल्यू अगर माइनस की पड़ी हो, जैसे 2 माइनस 2, प्लस के 2 और माइनस के 2 कट के क्या हो जाते हैं, 0 आ जाते हैं, वैसे ही प्लस के 2x और माइनस के 2x क्या हो गए, कैंसल हो गए, और आपका क्या बचा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 6, तो आपका आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 7, और इसकी पावर देखो कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही यही पढ़ा था कि अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 ऑफ 3 माइनस एक्स। बस चीजों को ध्यान से समझना, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2, अब यहाँ पे माइनस के 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस के 6 आ जाने हैं, माइनस के 2 को माइनस के एक्स के साथ करूंगी, और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो गया और 2 और एक्स 2x बन गए, ठीक है, समझ में आई बात। माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करने बहुत बच्चों की दिक्कत है, बार बार बोल रही हूँ, माइनस के 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा माइनस के 6, और माइनस के 2 को माइनस के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो 2x। इस तरीके से ये आपका बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x, ये उधर माइनस के हैं इधर प्लस के हो जाएंगे, जो उधर प्लस के हैं इधर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वेयर सेम एज इट इज, ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये बन गए 4x और प्लस के 6, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो इट मीन्स ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपका आगे है x माइनस 2 एंड x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ पे भी ध्यान से समझो, मैंने मल्टीप्लाई करना है फैक्टर को, पहले x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वेयर आ गया, मैंने क्या बोला x को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वेयर आ गया, फिर मैंने इस 2 को किसको, इस 2 को करा किसके साथ मल्टीप्लाई, इस x के साथ, पहले मैंने x को x के साथ करा फिर 2 को x के साथ करा, इसे पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करा, x को x के साथ करा x स्क्वायर, माइनस के 2 को प्लस के x से करा माइनस के 2x, फिर इस 1 को करा मैंने x के साथ मल्टीप्लाई तो ये बन गया 1x, अब माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करा माइनस प्लस के 1 के साथ तो माइनस के 2। मतलब बात सीधी सी है,
एक्स, पहले इस एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में। पहले इस पहले को दोनों के साथ, फिर पिछले दो दूसरे को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मैंने इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद ये भी आपकी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जानी है, और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 पावर नहीं आई, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्स माइनस थ्री एंड 2x+1 एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे भी देखो, एक्स को 2x के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2x2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इसके साथ करा तो ये प्लस के एक्स, अब 3 को 2 के साथ करा 6x, फिर 3 को 1 के साथ, जैसे मैंने आपको समझाया था, इसको भी दोनों के साथ करना है, इसको भी दोनों के साथ करना है, बस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। और चीज़ों जो ऐड होती हैं ऐड कर दो, और जो सब्ट्रैक्ट होती हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने सब्ट्रैक्ट ऐड करना आपको सिखाया है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे पावर 2 आपकी बच रही है, इट मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे है एक्स प्लस 2 x ऑफ x-1। आगे है, यहाँ पे आप क्यूब पावर देख रहे हो, और क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है a+b³ = a³+b³+3a²b+3ab²। तो x का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर प्लस 3, उसने बोला a का स्क्वेयर करो, यानी कि x का स्क्वेयर (2), फिर प्लस 3 ऑफ a को छोड़ दो, b का स्क्वेयर करो, यानी कि 2 का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 3 तो मुझे दिख ही रही है, तो ये कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बन सकती। देखो, मैंने पहले इस वाली साइड को सॉल्व करा, फिर मैं इस वाली साइड को सॉल्व करूँगी। पहले मैंने ये देखो इस वाली साइड को सॉल्व करा, फिर मैंने नेक्स्ट इस वाली साइड को सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद इधर लेफ्ट, इधर राइट साइड रखी। मैंने अभी आपको बोला कि x की पावर 3 तो मुझे ऊपर ही दिख गया था, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, ये करेक्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट में। थैंक यू।